पैरामीशियम कॉर्डिटम फॉर बीएससी पार्ट फर्स्ट। आज हम पढ़ेंगे इसमें रिप्रोडक्शन इन पैरामीशियम। पैरामीशियम में अलैंगिक और जनन होता है द्विखंडन या अनुप्रस्थ द्विखंडन के द्वारा, और इसके अंदर कुछ अलग प्रकार का भी जनन पाया जाता है जिससे न्यूक्लियर रीऑर्गेनाइजेशन होता है। उसमें आते हैं कॉन्जुगेशन, एंडोमिक्सिस, ऑटोगैमी, साइटोगैमी इत्यादि। सबसे पहले लेते हैं पैरामीशियम में बाइनरी फिजन। ये सबसे कॉमन टाइप का है। फूड और टेम्परेचर की फेवरेबल कंडीशंस के अंदर ये होता है। एक पूर्ण विकसित प्रोटोजोआ दो डॉटर पैरामीशियम के अंदर बढ़ जाता है, और ये डिवीज़न जो है वो शरीर के लंबवत अक्ष के समानांतर होते हैं। ये देखिए, ये रहा, ये है बाइनरी फिजन। इसमें क्या होता है, सबसे पहले जो माइक्रो न्यूक्लियस है वो उसमें समसूत्री विभाजन के द्वारा वो दो के अंदर विभक्त हो जाता है। इसी समय साथ ही साथ में मैक्रोन्यूक्लियस भी डिवाइड होता है, लेकिन इसके अंदर ये एमाइटोटिकली डिवाइड होता है। सिंपली ये लंबा हो जाता है, बीच में एक संकुचन होता है और दो मैक्रोन्यूक्लियस में परिवर्तित हो जाता है। ओरल ग्रूव्स डिसअपियर हो जाती है और उसके बाद में दो ओरल ग्रूव्स बनने लगती है, एक अग्रभाग में बनती है और एक पश्च भाग में, पश्च आधे भाग के अंदर बनती है। दो जो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स थे वो एक कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो आगे वाला है वो इसमें रह जाएगा, पीछे वाला इसके अंदर रह जाता है। और दो नए कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स बाद में विकसित होते हैं और इसी तरह से दो बकल स्ट्रक्चर्स भी डेवलप होते हैं। ये पहले वाला तो डिसअपियर हो गया, उसके बाद में ये नई बकल ग्रूव बनती है और नया ओरल अपरेटस का निर्माण होता है। इन सब प्रोसेस के साथ साथ में ही पैरामीशियम के शरीर में मध्य में एक संकीर्णन उत्पन्न होता है। ये देखिए, ये संकीर्णन उत्पन्न हो रहा है और ये धीरे धीरे डीप होता जाता है, साइटोप्लाज्म को भी कम्प्लीटली डिवाइड कर देता है और फाइनली दो डॉटर पैरामीशियम बन जाते हैं जो कि दोनों की साइज एक जैसी होती है और सेल ऑर्गेनल्स सेम होते हैं। इन दो पैरामीशियम में से जो आगे की तरफ बनता है उसको प्रोटर कहते हैं और पीछे की तरफ वाले को ओपस्सी कहा जाता है। ये साइज में वृद्धि करते हैं और फिर से इनके अंदर फिजन होता है। पैरामीशियम कॉर्डिटम में ये इस तरह से एक दिन में दो तीन बार डिवाइड हो जाते हैं और एक प्रोसेस को कंप्लीट होने में दो घंटे का समय लगता है। बाइनरी फिजन के द्वारा एक साल में लगभग 600 पीढ़ियां उत्पन्न हो जाती है। ये मल्टीप्लिकेशन की रेट किस पे डिपेंड करती है, फूड, टेम्परेचर पर, एज पर, पॉपुलेशन डेंसिटी पर और कुछ इंटरनल फैक्टर्स पे भी डिपेंड करती है, हेरिडिटी और उसकी फिजियोलॉजी पर। एक पेरेंट पैरामीशियम से जितने भी इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस किए जाते हैं, जो भी संतति उत्पन्न की जाती है उसको एक क्लोन कहते हैं, और एक क्लोन के सभी सदस्य जेनेटिकली एक जैसे होते हैं। नेक्स्ट होता है इसके अंदर कॉन्जुगेशन या संयुग्मन
ये लैंगिक प्रकार की विधि है। इसमें सिंपली दो पैरामीशियम में टेम्परेरली पास में आते हैं, संयुग्मन होता है, आपस में मिलते हैं, उनके अंदर जो माइक्रो न्यूक्लियर मटेरियल है उनका आदान प्रदान होता है और ये वापस सेपरेट हो जाते हैं। ये प्रोसेस जो है पैरामीशियम के अंदर बाइनरी फिजन और इसके बीच में होता रहता है और ये स्पीशीज़ की वाइटलिटी को बनाए रखना आवश्यक होता है। जो दो पैरामीशियम आपस में मिलते हैं इन्हें प्री कॉन्जुगेट्स कहते हैं और ये अपने ओरल ग्रुप वाली सतह से पास पास में आते हैं। ये देखिए, ये दो पैरामीशियम है, दोनों में डिप्लॉयड न्यूक्लियस है, ये पास पास में आए, ठीक है। उसके बाद में जो सीलिया हैं वो कुछ ऐसा सब्सटेंस सरफेस पे सिक्रीट करते हैं जो कि इन दोनों पैरामीशियम को आपस में चिपकने में हेल्प करता है। इसके बाद ये खाना खाना छोड़ देते हैं और इनके जो बकल स्ट्रक्चर है वो डिसअपियर हो जाते हैं और पेलिकल एक्टोप्लाज्म जहाँ पर भी ये मिल रही हैं वो आपस में जुड़ जाती है, डिसइंटीग्रेट हो जाती है और एक प्रोटोप्लाज्मिक दोनों इन इंडिविजुअल के बीच में एक प्रोटोप्लाज्मिक सेतु का निर्माण हो जाता है। अब इनको क्या कहते हैं, कॉन्जुगेट्स या गैमेटोसाइट्स कहते हैं। ये एक्टिवली जल में तैरते हैं और उनके अंदर कई न्यूक्लियर चेंजेस आते हैं। सबसे पहले क्या होगा, जो मैक्रोन्यूक्लियस है मैक्रोन्यूक्लियस सिंपली टूट जाता है छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स के अंदर और साइटोप्लाज्म के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, जबकि जो डिप्लॉयड माइक्रोन्यूक्लियस है वो सबसे पहले साइज में वृद्धि करता है, ठीक है। साइज में वृद्धि करने के बाद में इसके अंदर मियोसिस या अर्धसूत्री विभाजन होता है जिसके फलस्वरूप चार डॉटर माइक्रोन्यूक्लियस बनते हैं। ये देखिए, दोनों में चार डॉटर माइक्रोन्यूक्लियस बन गए हैं। अब इन चार में से तीन जो न्यूक्लियस है माइक्रोन्यूक्लियस ये डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, ठीक है। और जो अब एक बचता है उसके अंदर असमान विभाजन होता है। असमान विभाजित होकर ये क्या बनाते हैं, डॉटर प्रोन्यूक्लियाई या गैमीट न्यूक्लियाई बनाते हैं। असमान रूप से विभाजित हुए, दो बन गए। अब ये जो न्यूक्लियाई बने हैं इसमें से एक जो है वो माइग्रेटरी मेल प्रोन्यूक्लियस प्रोन्यूक्लियस की तरह काम करता है, ठीक है। और ये क्या करता है, दूसरे के अंदर मूव कर जाता है। एक ये इधर आ गया, ये वाला इधर आ गया और ये माइग्रेट करके फिर दूसरे वाले न्यूक्लियस से फ्यूज कर जाते हैं और जायगोट न्यूक्लियस या सिनकैरियन बनाते हैं जिसके अंदर फिर से क्रोमोसोम्स की संख्या डिप्लॉयड हो जाती है। और इस तरह से क्या है, इन दोनों पैरामीशियम का जो हेरिडिटरी मटेरियल है वो भी एक्सचेंज हो जाता है। अब ये जो जायगोट है न्यूक्लियस का, इसको एम्फी न्यूक्लियस कहते हैं क्योंकि इसके अंदर दो न्यूक्लियाई आए हैं दो डिफरेंट इंडिविजुअल से, दो डिफरेंट पैरामीशियम से। अब ये 12 से 48 घंटे का इस तरह से यूनियन होता है और उसके बाद ये फिर से सेपरेट हो जाते हैं। ये देखिए, ये इधर सेपरेट हो गया, ये इधर अलग हो गया। सेपरेट होने के बाद में अब इसमें क्या होगा, जो दो माइक्रो न्यूक्लियाई थे, हर के अंदर दो माइक्रो न्यूक्लियाई है, ये माइक्रो न्यूक्लियाई आपस में फ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। और फ्यूज होने के बाद में फिर इसके अंदर तीन बार माइटोसिस होता है जिसके फलस्वरूप आठ माइक्रो न्यूक्लियस बनते हैं। इन आठ माइक्रो न्यूक्लियस में से चार वृद्धि करके
मैक्रोन्यूक्लियस बनाते हैं और 4 माइक्रोन्यूक्लियस बनाते हैं। और इसके बाद आप ये जो पैरामीशियम है ये बाइनरी फिजन के द्वारा ये डिवाइड हो जाता है, किसमें 4 के अंदर। कैसे हुआ? हर के अंदर एक मैक्रोन्यूक्लियस और एक माइक्रोन्यूक्लियस आ जाता है, तो 4 डॉटल सेल्स इससे बनी और 4 ही इससे बनेगी। तो एक बार एक पेयर जो पैरामीशियम है उसमें संयुग्मन के द्वारा 8 डॉटर पैरामीशियम का निर्माण हो जाता है। कंडीशंस क्या है कॉन्जुगेशन के लिए? ये बड़ा कॉम्प्लेक्स फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है, प्रतिकूल परिस्थितियों में होता है, जब भोजन की कमी हो या कुछ केमिकल्स की उपस्थिति की वजह से अचानक से डार्क आ जाए या टेम्परेचर बहुत कम हो जाए और इंडिविजुअल की साइज बहुत छोटी हो, नॉर्मल इंडिविजुअल के कंपैरिजन में इनकी साइज छोटी होती है, और करीबन 300 अलैंगिक पीढ़ियों के बाद, 300 बार जैसे बाइनरी फिजन हो गया उसके बाद में ये रिजुविनेशन के लिए कॉन्जुगेशन का प्रोसेस होता है। ये अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट होता है और आफ्टरनून तक चलता रहता है, रात में या अंधेरे में ये प्रोसेस नहीं होता है। जो भी ये कॉन्जुगेट्स आपस में पेयरिंग कर रहे हैं ये आइसोगैमस टाइप के होते हैं, इनमें कोई मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंस नहीं होता है, सेक्सुअल डायमॉर्फस में या लैंगिक द्विरूपता नहीं पाई जाती है, मेल और फीमेल कॉन्जुगेंट्स ये नहीं होते हैं। बस सिर्फ फर्क क्या है, डिफरेंट मेटिंग टाइप के ये होने चाहिए। प्योर लाइन के मेंबर्स में ये नहीं होता है क्योंकि वो एक ही पेरेंट की वंशज होंगे। नेक्स्ट है सिग्निफिकेंस ऑफ कॉन्जुगेशन क्या है। कॉन्जुगेशन जो है वो बाइनरी फिजन की कंटिन्यूटी के लिए इसेंशियल होते हैं, इसके द्वारा इनकी वाइटलिटी ऑफ रेस भी मेंटेन रहती है, ये रिजुविनेट हो जाते हैं, इनके अंदर न्यूक्लियर रीऑर्गेनाइजेशन हो जाता है, और जो एक्टिव माइग्रेटरी प्रोन्यूक्लियस है जो एक पैरामीशियम से दूसरा पैरामीशियम में जा रहा है उसको जनरली मेल प्रोन्यूक्लियस मानते हैं और जो स्टेशनरी है उसको फीमेल प्रोन्यूक्लियस माना जाता है। और ये वेरिएशन कॉज करते हैं क्योंकि दो डिफरेंट लाइन के पैरामीशियम आपस में मिल रहे हैं। नेक्स्ट है ऑटोगेमी ऑफ पैरामीशियम, ये है ऑटोगेमी। ऑटोगेमी जो पाया जाता है वो पैरामीशियम ऑरिलिया में मिलता है जिसके अंदर 2 माइक्रोन्यूक्लियाई स्थित होते हैं, एक मैक्रोन्यूक्लियस है और 2 माइक्रोन्यूक्लियस है। सबसे पहले क्या होगा, मैक्रोन्यूक्लियस छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में ब्रेक हो जाता है, टुकड़ों में बढ़ जाता है और वो साइटोप्लाज्म के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। ये जो डिप्लॉइड माइक्रोन्यूक्लियस है इनके अंदर मियोसिस या अर्धसूत्री विभाजन होता है जिसके फलस्वरूप 8 डॉटर न्यूक्लियाई बनते हैं। इन 8 में से 7 डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं और जो एक बचता है उसके अंदर समसूत्री विभाजन होता है जिसके फलस्वरूप 2 गैमेट न्यूक्लियाई बनते हैं। ये गैमेट न्यूक्लियाई फ्यूज होकर जायगोट न्यूक्लियस का निर्माण करते हैं और ये जायगोट न्यूक्लियस वापस डिप्लॉयड हो गए ये। अब ये जो जायगोट न्यूक्लियस जो कि डिप्लॉयड है नंबर में, इसमें 2 बार ये विभाजित होते हैं जिसके फलस्वरूप 4 न्यूक्लियाई बनते हैं। इन 4 में से 2 मैक्रोन्यूक्लियस बना लेते हैं और 2 मैक्रोन्यूक्लियाई में परिवर्तित होते हैं और उसके बाद ये पैरामीशियम 2 डॉटर पैरामीशियम में विभक्त हो जाता है और प्रत्येक के अंदर 1 मैक्रोन्यूक्लियस और 2 माइक्रोन्यूक्लियस पाए जाते हैं। इसको बोलते हैं ऑटोगैमी, एक ही पैरामीशियम है इसके अंदर, अपने आप से ये डिवाइड हो रहा है, सेल्फ मैरिज ऑटोगैमी, इसको सेल्फ फर्टिलाइजेशन कहते हैं। दूसरा है फिर साइटोगैमी, ये पैरामीशियम कॉडिटम में ऑब्जर्व किया गया था। इसके अंदर में क्या होता है, द
कोई न्यूक्लियर एक्सचेंज नहीं होता है। कॉन्जुगेशन के जैसा ही है ये, और इसमें दो छोटे पैरामीशियम टेम्परली ओरल सरफेस की साइड से आपस में जुड़ते हैं, लेकिन इनकी जो पेलिकल है दोनों पैरामीशियम की वो टूटती नहीं है और न्यूक्लियर एक्सचेंज नहीं होता है इसके अंदर। माइक्रो न्यूक्लियस 3 बार डिवाइड होकर 8 माइक्रो न्यूक्लियस बना लेता है, उसमें से 6 डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं और 2 बचते हैं, और ये 2 जो माइक्रो न्यूक्लिया ये फिर भी आपस में फ्यूज हो जाते हैं और फिर वापस से एनिमल सेपरेट हो जाता है। इस प्रोसेस को कंप्लीट होने में 13 घंटे का समय लगता है। नेक्स्ट है एंडोमिक्सिस। ये एंडोमिक्सिस भी जिसके अंदर 2 माइक्रो न्यूक्लियस पाए जाते हैं, जैसे कि पैरामीशियम ऑरिलिया है उस स्पीशीज में इसको डिस्कवर किया गया है। ये सिंगल इंडिविजुअल में होती है, एक ही पैरामीशियम में, और इसमें क्या होता है ये देखिए, ये मैक्रो न्यूक्लियस है, ये माइक्रो न्यूक्लियस है। सबसे पहले ये जो बड़ा वाला न्यूक्लियस है ये धीरे धीरे डिसइंटीग्रेट हो जाता है, इसमें 2 में विभाजन होगा, उससे 4 न्यूक्लियर बने, 4 से 8 बनेंगे। इन 8 माइक्रो न्यूक्लियस में से 6 डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं और अब 2 बचे, और साथ ही साथ यहाँ पे साइटोप्लाज्म में भी विभाजन होता है और ये 2 पैरामीशियम बन गए। प्रत्येक पैरामीशियम में क्या है, अब एक एक माइक्रो न्यूक्लियाई है। अब ये माइक्रो न्यूक्लियाई डिवाइड हुआ, 2 में बने, 2 से 4 बने, और इन 4 में से 2 मैक्रोन्यूक्लियाई बना लेते हैं और 2 माइक्रोन्यूक्लियाई बना लेते हैं। फिर इस माइक्रोन्यूक्लियाई में फिर से विभाजन होता है, उसके फलस्वरूप 4 माइक्रोन्यूक्लियाई बनते हैं और अब ये पैरामीशियम 2 में विभक्त हो जाता है और प्रत्येक के अंदर 1 मैक्रोन्यूक्लियस और 2 माइक्रोन्यूक्लियस होते हैं। तो ये एक पैरामीशियम था, इससे अंत में 4 डॉटर पैरामीशियम फॉर्म हो जाते हैं। और ये सारा कौन कर रहा है, डिवीजन किसके द्वारा हो रहा है, माइक्रोन्यूक्लियस के द्वारा। कोई एक्सचेंज नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, ये कहलाता है एंडोमिक्सिस। देन है कप्पा पार्टिकल्स। पैरामीशियम में कुछ साइटोप्लाज्म भी पाए जाते हैं, एक है कप्पा पार्टिकल्स, और इन्होंने ये बताया, साइंटिस्ट है TH सोनीबॉर्न, कि कॉन्जुकेशन के लिए पैरामीशियम की जो 2 वेराइटीज आपस में मिलती है, कभी कभी उन दोनों में से एक ही वेराइटी जीवित बचती है और दूसरी मर जाती है। इसमें से जो जीवित रहती है उसको तो किलर कहा जाता है और दूसरी जो मर जाती है उसको सेंसिटिव या संवेदी कहा जाता है। और इन्होंने ये बताया कि जो किलर है, जो किलर स्ट्रेन है, उसके अंदर एक रेप्लिकेटिंग साइटोप्लाज्मिक पार्टिकल पाया जाता है जिसमें DNA होता है और उसे कप्पा पार्टिकल्स कहते हैं। ये पार्टिकल्स एक किलर सब्सटेंस या स्व प्रतिकृति कारक है ये, और ये एक टॉक्सिक सब्सटेंस उत्पन्न करते हैं, पैरामेसिन। और ये पैरामेसिन क्या होता है, पैरामीशियम के चारों ओर जो जल है उसके अंदर डिफ्यूज हो जाता है, और जिनके अंदर ये कप्पा पार्टिकल्स नहीं पाए जाते हैं, जो सेंसिटिव वेरिएंट्स हैं, उनकी मृत्यु का कारण बन जाता है। दूसरे मिलते हैं इनमें पाई पार्टिकल्स। ये कप्पा पार्टिकल्स की म्यूटेंट फॉर्म है, उत्परिवर्तनीय रूप है, और इन कणों के द्वारा किसी भी टॉक्सिक सब्सटेंस को सिक्रीट नहीं किया जाता है। सो ये जिनके अंदर ये मौजूद नहीं है उनके लिए हार्मफुल नहीं होता है। नेक्स्ट है MU पार्टिकल्स। ये कण भी किलर होते हैं और कॉन्जुगेशन के दौरान जिस कॉन्जुगेंट के अंदर ये नहीं पाए जाते हैं उसको ये मार देते हैं। लास्ट है लैम्डा पार्टिकल्स। सभी किलर पैरामीशियम के अंदर ये पाए जाते हैं। क्वेश्चन है,
और ये उनके आंसर्स हैं।